देश के महान उद्योगपति और भारतीय विमान चालक जहांगीर रतनजी दादा भोई टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस में हुआ था। टाटा को बचपन से ही हवाई जहाज में दिलचस्पी थी। फ्रांस के विमान चालक लुइस प्लेरियोट से मिलने के बाद उनकी ये दिलचस्पी जुनून में बदल गई। साल 1925 में जेआरडी टाटा पिता के कहने पर भारत आए और टाटा एंड सन्स में अवैतनिक अप्रेंटिस के रूप में शामिल हुए, जिसके बाद 1930 में उनकी शादी थेल्मा विकाजी से हुई। दोनों को कोई बच्चे नहीं हुए। 10 फरवरी 1929 को उन्होंने अपनी पहली एकल उड़ान भरी और भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने के बाद साल 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जाना गया। जेआरडी टाटा की उम्र 34 साल थी जब वो 1938 में भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्री टाटा एंड सन्स के चेयरमैन बने। कंपनी के चेयरमैन बनने के बाद टाटा ने इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और टाटा ग्रुप की संपत्ति $100 मिलियन से $5 बिलियन तक पहुंचा दी। टाटा ने 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना की, जिसने कई सालों तक वाणिज्य वाहन बाजार पर प्रभुत्व रखा है। इसके बाद उन्होंने टाटा के साम्राज्य को और भी बड़ा करते हुए 1964 में टाटा टी लिमिटेड, 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और 1987 में टाइटन जैसी कंपनी की भी स्थापना की। 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसके बाद 1993 में गुर्दे में संक्रमण होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।